हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंचा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचा जॉर्ज ही रेडियो कॉल पे। आज हम बात करेंगे कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लोगों के बाल झड़ रहे हैं और उन बालों की समस्या के कारण वो सिर्फ फिजिकली ही परेशान नहीं है, वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं कि हाँ कहीं वो गंजे ना हो जाएँ या उनके बाल जो हैं, क्योंकि बालों के कारण ही शरीर की जो फेस ब्यूटी है वो नज़र आती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो हैं आजकल जो बाल झड़ रहे हैं, ये स्पेशली ये कि कोरोना के बाद लोग जो हैं वो डेली हेयर वॉश करते थे, केमिकल वाला यूज़ करते थे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे थे और रेगुलर स्ट्रेस रहने के कारण जो है वो बाल रेगुलर झड़ रहे हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बाहर से चाहे बालों के ऊपर अच्छा शैम्पू यूज़ कर लें, महंगा से महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर लें या फिर कोई भी किसी भी तरह का बाहरी प्रोडक्ट यूज़ कर लें या फिर DIY स्पेशली घर पे बना हुआ कुछ भी यूज़ कर लें, लेकिन जब तक आप इंटरनली उसको पूरी टेक केयर नहीं करेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, तो तब तक वो जो है बाल झड़ने बंद नहीं होंगे। जैसे कि 70% तक जो है इंटरनल ही काम करता है। जैसे किसी पेड़ है या कोई पौधा हम लगाते हैं तो उसको हम अगर बाहर से ही पानी सिर्फ डालते जाएँ और उसको जो खाद ना दें या फिर उसकी मिट्टी को गोदना ना करें, तो तब तक वो पेड़ जो है वो अच्छा फ्रूटफुल नहीं होता। उसी तरह से अगर हम बाहर से ही अपने बालों को कंडीशन करते रहेंगे या कुछ भी अप्लाई करते रहेंगे और इंटरनली ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे जो बाल हैं उनको प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और उसके कारण क्या होगा, जो बाल हैं वो झड़ते रहेंगे। तो आजकल जो समस्या है कि बाल जो हैं, अगर वो उनके कपड़ों के ऊपर बाल, उनके सोफे के ऊपर बाल, उनके रूम में बाल, मतलब कि बेड पे बाल, सारी जगह बाल ही बाल नज़र आते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम इन्हें दूर करना है तो सबसे पहले हमें अपने इनटेक के ऊपर ध्यान देना होगा। इनटेक में जो है हमें ऐसी चीज़ें खानी होगी जो कि हमें हमारे बालों को मजबूती दे। बालों में जो अगर आप बालों के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि बालों की 3 लेयर्स होती हैं। उन 3 लेयर्स को पोषण अगर नहीं मिल रहा है तो बालों दो मुँह बाल हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब कि या तो फिर डैंड्रफ हो जाती है और या फिर बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, दो मुँह हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं कि जो हमें देखनी पड़ती हैं। लोग कहते हैं कि हाँ हम खाना तो वही बहुत अच्छा खा रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बालों को प्रोटीन, जो नेचुरल जिंक चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो हमारे भोजन में है ही नहीं है। हमारा आजकल जो खाना है वो बाहर का हो गया है और हम कच्चे फल और सब्जियाँ तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, जिसके कारण कि हमें जो लाइव एंजाइम है वो हमारी बॉडी में पहुंच ही नहीं पा रहे, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा। और जब डाइजेशन नहीं अच्छा होता है तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है। थायराइड में क्या होता है कि बालों की जो थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, बाल जो है वो पतले होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके गंजापन आना शुरू हो जाता है। तो अब मैं सबसे पहले ये बात करूँगी कि हाँ, हमें इंटरनली अगर हम चाहते हैं कि हमारे बाल जो हैं वो सही रहें, तो ख़ास तौर पर अगर आपका स्कैल्प जो है वो ऑयली है तो आपको बार बार ऑयलिंग नहीं करनी होती है, क्योंकि ऑयल अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि पैच से हो जाते हैं। तो वो जो डैंड्रफ है वो एक अपनी लेयर बना लेती है, उसके कारण क्या होता है, बालों में कीड़ा लग जाता है, जिसको कि एलोपेशिया भी कहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि बालों में कीड़ा लगने के कारण वो वाली जगह से ही बाल जो है उड़ जाते हैं और वो वाला एरिया जो है वो विदाउट ऐसे लगता है कि गंजापन हो गया है। तो इन सारी समस्याओं से दूर करने के लिए हमें सबसे पहले तो इंटरनली सोचना होगा कि इंटरनली हमें क्या खाना चाहिए। जैसे कि आपको आंवला जो है वो उसमें विटामिन सी होने के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि हमारे बालों की मजबूती के लिए और बालों को पोषण देते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे बालों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो हमारी स्किन को भी अच्छा करते हैं। तो इसलिए अपने डेली लाइफ में आंवला जो है हमें ज़रूर लेना चाहिए। कई लोग बोलेंगे कि हाँ फ्रेश तो मिलता नहीं है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सीज़न आता है, तो हम ड्राई फॉर्म में भी आंवला पाउडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डेली एक चम्मच जो है वो खाली पेट हम आंवला पानी पी सकते हैं, या आंवले के पाउडर में वैसे खाया नहीं जाता है तो उसमें शहद डाल के हम डेली एक चम्मच ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम डेली एक टमाटर लेते हैं
तो टमाटर खाने से भी वो जो पौष्टिक तत्व हैं जो कि हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि बायोटीन के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। बायोटीन जो है वो हमारी हरी सब्जियों में होता है, और जो बीज जिसे कि जैसे कि पम्पकिन के सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, और बादाम हो गए, और अखरोट हो गए, इन सब चीज़ों को हमें डेली अपनी लाइफ में एटलीस्ट 1 मंथ तक तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। और आप देखेंगे कि 1 मंथ के बाद ही आपके जो बाल हैं वो झड़ने कम हो गए हैं। और उसके लिए क्या है, आपको रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड और अखरोट जो है इन सबको भिगो देना है, और सुबह मॉर्निंग में अखरोट के ऊपर से छिलका जो है वो उतार लेना है, और इन सबको अगर आपने वैसे खाना है तो वैसे भी खा सकते हैं, साथ में एक अखरोट ले लेना है, सॉरी बादाम के छिलकों को ऊपर से, मतलब बादाम को ऊपर से छील लेना है, क्योंकि अगर वो बादाम के हम उसके साथ खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की डाइजेस्टिव इशू जो है वो हो सकते हैं, तो इसलिए हमें जो है बादाम जो है वो छील के ही खाने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे हों तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में रखना शुरू कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बाहर वाला खाना जो है वो ना खाएं और घर का ही खाना खाएं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ हम ये सारी चीज़ें जो नहीं हैं ले सकते हैं, तो आप जो हैं वो इसके अलावा अगर आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो आप बीटरूट, गाजर, टमाटर और पालक इसका जूस आप डेली ले सकते हैं, उससे भी आपके बाल भी सही होंगे और थायराइड भी। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो जिनका कि थायराइड जो है वो रिवर्स हो गया है और अब वो गोली बिल्कुल नहीं लेते और नॉर्मल वैल्यू आ गई है, तो इसलिए ये वाला जूस जो है आप अपनी डेली लाइफ में लीजिए और आप देखेंगे कि आपके बाल जो है झड़ने इंटरनली। आप ये सारी चीज़ें लेनी शुरू करें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप बाहर से क्या कर सकते हैं। बाहर से आप जो है एक अच्छे कोई भी विदाउट केमिकल वाला शैम्पू जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक आते हैं, मैं किसी के लिए रिकमेंड नहीं करूँगे, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि आप जो ये कंडीशनर है वो कम यूज़ कर कीजिए, बेटर है कि ना ही यूज़ कीजिए तो अच्छा रहेगा। और सेकेंड है कि अगर जैसे ही आप हेयर वॉश करते हैं तो आप एक प्याज ले लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी में वो प्याज जो है वो छोटे छोटे टुकड़े करके उसे बॉईल करके और ठंडा होने पे उसे स्ट्रेन करके एक बॉटल में भर लीजिए और अपने बालों को डेली जैसे आप धोते हैं तो धोने के बाद तो पक्का स्प्रे कीजिए, और थोड़ी देर में जो है उसकी स्मेल भी नहीं आएगी और वो आपके बाल जो हैं वो सिल्की हो जाएंगे। और जो प्याज है उसमें बहुत सारा ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि बालों की मजबूती के लिए बढ़िया होते हैं, और आप अपने बालों में ये सारी चीज़ें अगर लगाते हैं, और कभी कभी एलोवेरा जो है वो भी आप अपने एलोवेरा की जेल निकाल कर, जेल निकालने के बाद उसका एक मिक्सर में बना के उसका लिक्विड बना के तो अपने बालों पे लगाएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बहुत सारी ऐसे, और एक चीज़ और बतानी होगी, आप हमेशा यूजली हम ऐसी वाली कंघी यूज़ करते हैं तो हमें ये वाली कंघी जो है कभी भी अपने बालों में नहीं यूज़ करनी होती है, क्योंकि इसके जो ब्रिसल्स होते हैं, इसके जो ये दांत होते हैं ये नज़दीक होते हैं तो बाल उलझ जाते हैं और वो जो हमारे बालों को कमज़ोर करते हैं। हमेशा ये ब्रॉड वाली कंघी ही यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारे बालों में जो है मतलब आराम से लग सके और इसमें उलझन ना पड़े और हम अपने बालों को मजबूत रख सकें। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके बाल, अब एक चीज़ और बताते हैं आपको, एक छोटा सा टेस्ट है कि अगर आप अपने बालों को देखना चाहते हैं कि आपके बाल जो हैं वो कितने मजबूत हैं, तो आप ये 25-30 बाल पकड़कर इनको ऐसे ऐसे करके उसके बाद ऐसे खींच कर देखिए ज़ोर से, अगर उसमें एक, देखिए मेरा एक भी बाल नहीं आया है, अगर आपके एक से ज़्यादा बाल आते हैं तो इट मीन्स कि ये अबनॉर्मल कंडीशन है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत है। और अगर आपके बाल जो हैं, मैंने तो ऑलरेडी बोला कि झड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप जो है अपने बालों को जो है कि वो बाल जो है वो अच्छे और घने हो जाएंगे। आप एक 1 मंथ तक ही अगर ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करते हैं, अपने खाने में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और रेगुलर ये स्प्रे यूज़ करते हैं और एलोवेरा भी लगाते हैं, और अगर आपके बाल इन दिनों में ऑयली भी बहुत हो जाते हैं और ड्राई भी बहुत हो जाते हैं, जो ड्राई वाले हैं वो नहाने से पहले एटलीस्ट 1 घंटा पहले ही ऑयल लगा सकते हैं, और जिनके ऑलरेडी ऑयली हैं वो ऑयल जो है वो कम से कम यूज़ करें, ये ना हो कि लगा के उसे छोड़ दें,
हल्का सा ऑयल लगा के एक आधे घंटे बाद उसे वॉश कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं वो घने भी हो रहे हैं और लंबे भी हो रहे हैं और टूटना बंद हो जाएंगे। तो एक चीज़ और कहनी थी कि हमें जैसे कि पतले बाल हैं तो उसमें हम अपना ब्रश वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके बाल जो हैं वो पतले नहीं हैं, हैवी हैं, तो आप ब्रश जो है वो मत ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ब्रश यूज़ करने से जो आपके बाल हैं वो झड़ते हैं। तो इसलिए जैसे कि मैंने जो कंघी दिखाई थी, ये बड़े चौड़े दांतों वाली, इसी को ही यूज़ कीजिए ताकि आपके बाल जो हैं वो सही तरह से ग्रो कर सकें और आप अपने बालों को झड़ने की समस्या से आराम पा सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।